अरे प्यारे बच्चों, शुरू आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजी का क्लास 11th का। बच्चे, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था? पिछले लेक्चर में हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, उसके अराउंड अराउंड 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। प्यारे बच्चों, सेकेंड चैप्टर के साथ आए हैं, करें शुरू। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन के ऊपर, क्या है? फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर एच विटेकर। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, हु गिव द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? आर एच विटेकर ने दिया। इज नॉट बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड नहीं था? देखो बच्चे, उसने किसके बारे में बात की थी? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात की थी। यस, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये इसी के बारे में डिस्कशन है। सेकेंड ऑप्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऐसा कुछ उसने नहीं डिस्कस किया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल डिस्कस किया था, ऑटोट्रॉफिक है, एटोट्रॉफिक है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया था। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, उस बेसिस पे भी उन्होंने क्लासिफाई करने का काम किया था। तो जो इसके अंदर राइट आंसर बनेगा बच्चे, वो क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन बी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन ग्रुप, जो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मिलती है बच्चे, वो किंगडम मोनेरा के ऊपर मिलती है, क्योंकि वहां पे हम ज्यादा मैक्सिमम चेंजेस देखते हैं एट न्यूट्रिशनल लेवल के ऊपर। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन, दे आर इंक्लूडेड अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। किसके अंदर डिस्कवर किया था बच्चे? क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को आर एच विटेकर ने, जिन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, उन्होंने किसके अंदर प्लेस किया था बच्चे? क्लेमाइडोमोनास को और क्लोरेला को, क्योंकि ये क्या थे बच्चे? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, जिनको किसके अंदर रखा गया बच्चे? फाइलम प्रोटी सॉरी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। क्लियर है इतनी बात? चलिए, इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स इफ द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन इज यूज। अगर हम फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन का यूज करते हैं और आर्किया और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को किसके अंदर रखेंगे बच्चे? प्लांटे के अंदर बिल्कुल नहीं रखेंगे, फंगस के अंदर नहीं रखेंगे, प्रोटिस्टा नहीं। जो राइट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे, वो क्या बनेगा? किंगडम मोनेरा बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? मोनेरा, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो मोनेरा में डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस थी। कौन सी थी बच्चे? आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, और उसके साथ साथ क्या थे बच्चे? यू बैक्टीरिया के अंदर हम क्या पढ़ते थे? साइनो बैक्टीरिया के बारे में। और साइनो बैक्टीरिया क्या थे बच्चे? ब्लू ग्रीन एल्गी, जो क्या थे? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते थे। वीजीए किसके अंदर पढ़ा था बच्चे? वीजीए पढ़ा था हमने किंगडम मोनेरा के अंदर। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे। इन फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज, देखो बच्चे, जो मेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो। देखो बच्चे, इंक्लूडेड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस भी था, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, सेल वॉल की कंपोजिशन भी इंक्लूडेड थी, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड था वो क्या था बच्चे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को मेन एडवांटेज दी गई थी बच्चे किसके अंदर? फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर। क्लियर है? चले आगे, देखो प्यारे बच्चों, इन फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया। देखो बच्चे, पिछले क्वेश्चन में भी यही था, मोनेरा के अंदर हम इनको इंक्लूड करेंगे, किंगडम मोनेरा के अंदर ये सारी चीजें आएंगे बच्चे। ब्लू ग्रीन एल्गी भी आएगी, साइनोबैक्टीरिया भी आएगी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी आएंगे, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया रोमिनेंट एनिमल्स की गट में मिलते हैं बच्चे। रोमिनेंट एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो,
इनकी गट के अंदर यानी एलिमेंट्री कैनाल की गट के अंदर क्या मिलते हैं बच्चे, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया मिलते हैं जो कैपेबल होते हैं किसके बच्चे, मिथेन प्रोडक्शन के। क्लियर है इतनी बात, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलें आगे, देखो BZA आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स। BZA दैट मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी यहाँ किसकी बात कर रहा है प्यारे बच्चों, साइनोबैक्टीरिया की। किसकी बात हो रही है, साइनोबैक्टीरिया की। वो किस ग्रुप के अंदर आते हैं, ब्रायोफाइट, प्लांट किंगडम का क्या है बच्चे, फाइलम है, डिविजन है, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं आएगा प्यारे बच्चों, किसके अंदर आएगा, प्रोटिस्टा के अंदर। किसके अंदर आएगा प्यारे बच्चों, प्रोटिस्टा के अंदर नहीं, फंगस के अंदर नहीं। अब क्वेश्चन यहाँ बनता है क्या, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर ही हम इसको इंक्लूड करेंगे। क्यों प्यारे बच्चों, देखो मोनेरा प्रोटिस्टा, मोनेरा के अंदर हम क्या बात कर रहे थे, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, और प्रोटिस्टा के अंदर हम बात कर रहे थे बच्चे किसकी, यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। यहाँ पे कंडीशन क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी वो क्या है, प्रोकैरियोटिक नेचर के हैं और यूनिसेलुलर है, तो यहाँ जो बेस्ट सुटेबल होगा बच्चे वो क्या होगा, प्रोकैरियोट्स। क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रोकैरियोट्स। क्लियर है इतनी बात, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट्थ क्वेश्चन हमारा, एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन। मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन में इम्पोर्टेंट, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे तो पुराना हो गया बच्चे, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इसको कंसिडर कर सकते हैं, ब्रीड हैबिट्स, नो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये तो कॉर्डेट्स के अंदर आएगा, ठीक है जी। जो जो यहाँ मोस्ट सुटेबल बनेगा वो क्या बनेगा, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स। क्लियर है इतने, क्लियर है सबको, समझ आ रहा है आई थिंक प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें, ठीक है जी। चलो मैच द ऑर्गेनिजम्स इन द कॉलम वन विद द हैबिटेट्स इन द कॉलम सेकंड। हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर हैविंग ए हाई अमाउंट ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन, जहां पे साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, ए का फोर्थ, अब ए का फोर्थ एक ही के अंदर है प्यारे बच्चों, आपको बाकी कोई नहीं देखना है। जो हमारा आंसर बनेगा वो नाइन्थ का क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। देखो कैसे, हेलोफाइल्स किसके अंदर, साल्टी एरिया के अंदर, थर्मो एसिडोफिल्स किसके लिए बच्चे, हॉट स्प्रिंग्स के लिए आ जाएगा, मिथेनोजेंस पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया था, गट ऑफ रोमिनेंट एनिमल्स के अंदर आ जाएगा, और साइनोबैक्टीरिया किसके अंदर आ जाएगा प्यारे बच्चों, एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर। तो जो मोस्ट सुटेबल आंसर है यहाँ पे वो क्या है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है इतनी बात, चलें आगे। ओके, विच वन ऑफ फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस। सेलाइन कंडीशंस इसमें यू बैक्टीरिया नहीं बचे, साइनोबैक्टीरिया नहीं, माइकोबैक्टीरिया नहीं, राइट आंसर इसमें क्या होगा, आर्किबैक्टीरिया, और उन बैक्टीरियाज के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस अभी पिछले के अंदर ही, पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमने यही चीज पढ़ी थी कि हेलोफाइल्स क्या होते हैं। हेलोफाइल्स वो स्टेट हैं जहां पे क्या है, सलाइन कंडीशंस एक्सट्रीम भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो क्या है हमारा, विच वन ऑफ फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन विदाउट ए डेफिनेट सेल वॉल। देखो बच्चे सेल वॉल नहीं है, पैथोजेनिक टू द प्लांट्स एज वेल एनिमल्स, एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है और प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे, एनसीईआरटी की लाइन यहाँ से उठाई हुई है, और ये जो राइट आंसर होगा बच्चे इसके अंदर क्या होगा, माइकोप्लाज्मा होगा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो कंसिडर्ड एज पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया, लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चे, बेसिकली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था ये। चलें आगे, ठीक है जी। विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल।
ओके, विच वन ऑफ फॉलोइंग कॉम्पोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर, यानी चिपचिपा कौन बनाता है? एक मटीरियल सेल है, उसके बाहर ऐसी क्या लेयर होती है जो उसको क्या बना देती है स्टिकी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल नहीं, जो ये ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है यही क्या करती है बच्चे? यही इसको स्टिकीनेस प्रोवाइड करती है। क्लियर है? ये भी एनसीईआरटी से उठाई हुई लाइन है। चले प्यारे बच्चों नेक्स्ट। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स विदाउट न्यूक्लियोलस, नॉट पॉसिबल। जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा बच्चे, ड्यूरिंग एस फेज नहीं होगा, प्रायर टू फ्यूजन, ड्यूरिंग द फ्यूजन, प्रायर टू फ्यूजन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चले आगे। देखो बच्चे, बिल्कुल टोटली एनसीईआरटी से ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं। चलिए, मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू, मिथेनोजेन बैक्टीरिया किसके अंदर आते हैं बच्चे? ये क्वेश्चन दूसरी बार आया है। मिथेनोजेन बैक्टीरिया किसके अंदर आते हैं बच्चे? आर्की बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। इसके अंदर आते हैं प्यारे बच्चों, आर्की बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रोमिनेंट एनिमल इंक्लूड्स। देखो बच्चे, फिर से क्वेश्चन घुमा दिया गया है, आंसर वही मिथेनोजेंस है, लेकिन यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है। ज्यादातर केसेस में यही होता है, क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ होता है लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो चीजें क्या पूछना चाह रहा है और आप गलती कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, पिछले क्वेश्चन में भी मिथेनोजन से रिलेटेड क्वेश्चन था, यहाँ पे भी मिथेनोजन ही आंसर आएगा, लेकिन क्या कर दिया गया, उसी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चले आगे। देखो फिर, आर्किबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम यू बैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया किसके पार्ट है बच्चे? मोनेरा के। ठीक है जी, और ये डिफर करते हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के अंदर। राइट आंसर जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि आर्किबैक्टीरिया हैश हैबिटेट के अंदर सर्वाइव इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उनकी जो सेल वॉल होती है, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो मोर मॉडिफाइड होती है एज कम्पेयर टू द यू बैक्टीरिया। क्लियर है इतनी? चले प्यारे बच्चों आगे। देखो फिर, विच वन ऑफ फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वॉटर। इन में से कौन सा ऐसा है जो डीप सी वॉटर के अंदर मिलता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, स्पोरोफिटिक फंगी, आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। डीप सी वॉटर के अंदर जहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल है बच्चे, एनसीईआरटी से लाइन उठाई हुई है, जहां पे हेलो फाइल्स हैं, जहां पे थर्मो एसिडो फाइल्स का जिक्र है, वहीं पे डीप सी वाटर का जिक्र है बच्चों। और ये किसकी बात कर रहा है प्यारे बच्चों? ये आर्की बैक्टीरिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आर्की बैक्टीरिया की। किसकी? आर्की बैक्टीरिया की। आर्की बैक्टीरिया का करेक्टर है, तो जो आंसर आ जाएगा बच्चों किसका आ जाएगा? आर्की बैक्टीरिया। क्लियर है इतनी बात? चले प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। देखो बच्चे, न्यूमेटोफोर्स नहीं, मॉडिफिकेशंस होती हैं ये दो, ठीक है, इनके बारे में हम मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ नहीं आना चाहिए। क्रोमेटोफोर्स, राइट आंसर यहाँ पे यही होगा बच्चे, जो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस हैं वो साइनोबैक्टीरिया के अंदर किसकी हैं? क्रोमेटोफोर्स की हैं। हाइड्रोसिस्ट नहीं आएगा, हाइड्रोसिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चे? नाइट्रोजन फिक्सेशन के। क्लियर इतनी बात? बेसल बॉडीज इसका आंसर हो ही नहीं सकता है। चले आगे प्यारे बच्चों। चलिए, द साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज BZA। इनको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। और आंसर हमारा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? ब्लू ग्रीन एल्गी। 19 का जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा? डी। द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट हेल्पफुल टू ह्यूमंस इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक आर वंस कैटेगराइज्ड एज। वो प्रोकैरियोट्स जो ह्यूमन के लिए हेल्पफुल हैं मेकिंग कर्ड, कर्ड बनाने के लिए,
एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन के लिए वो किसके अंदर आएंगे? वो साइनोबैक्टीरिया के अंदर नहीं आएंगे प्यारे बच्चों, आर्कियोबैक्टीरिया नहीं आएंगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स नहीं आएंगे प्यारे बच्चों। जो राइट आंसर होगा इसके अंदर वो क्या होगा बच्चे, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब क्वेश्चन आया, इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क कौन सा बैक्टीरिया होता है बच्चे, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो क्या करता है, मिल्क को कन्वर्ट कर देता है बच्चे किसके अंदर, कर्ड के अंदर। और फर्स्ट एंटीबायोटिक कहाँ से जो हुई थी बच्चे, वो क्या थी, पेनिसिलिन थी। कौन सी थी बच्चे, पेनिसिलिन। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फर्स्ट एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था, पेनिसिलिन। और पेनिसिलियम नोटेटम से उसको क्या किया था बच्चे, डिस्कवर किया था। क्लियर है प्यारे बच्चों? आज हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं कौन से चैप्टर के बच्चे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। हम अप्रोक्सीमेट यहाँ पे भी 150 क्वेश्चंस के अराउंड इस सीरीज में करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, यहाँ से आप इजिली इसको गैदर कर सकते हैं, अपने आप को कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ किस रैंक के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, ये चीज़ें आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ के साथ आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।